बढ़ रही है, ये सवाल है। नसबंदी के बाद क्या श्वान काटना छोड़ देता है? नसबंदी किया हुआ श्वान क्या रेबीज के खतरों को समाप्त कर देता है? और मैं लगातार आवारा श्वानों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेबीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेबीज के टीके की कमी हो रही है, श्वानों की संख्या नसबंदी के बावजूद कैसे बढ़ रही है, ये सवाल है। नसबंदी के बाद क्या श्वान काटना छोड़ देता है? नसबंदी किया हुआ श्वान क्या रेबीज के खतरों को समाप्त कर देता है? श्वानों की संख्या नगर निगम ने कैसे गिन ली? रेबीज से बचाव के क्या उपयोग किए? श्वान अगर बढ़ रहे हैं तो नसबंदी के बावजूद बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है नसबंदी फेल हो रही है। तो सवाल ये है कि इन श्वानों से मुक्ति का दूसरा उपाय है। पहले नगर निगम के पिंजरा पोल हुआ करते थे, कहाँ गए वो नगर निगम के पिंजरा पोल? किनके अधिकार क्षेत्रों में है वो? किन लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं? आप पिंजरा पोल बनाइए, जिस तरीके से गौशाला बनती है उसी प्रकार से श्वानों को पालने के लिए आम आदमी जो धार्मिक भावनाओं का है वो वहाँ पर जाकर के आप भोजन पानी की व्यवस्था करेगा, दानदाता करेंगे, नगर निगम करेगी। जितना खर्च आप नसबंदी में खर्चा कर रहे हैं उतना में तो 10 पिंजरा पोल बन जाते और आवारा श्वानों से मुक्ति हो जाती। वहाँ आप धर देते, लोग दान के रूप में रोटी पानी दे के आते, उनसे मुक्ति मिल जाती। जो और तो और जिस प्रकार से हम पालतू श्वानों को टीका लगाते हैं 6 महीने बाद ताकि उस काटे तो भी रेबीज का खतरा ना हो, आप इन श्वानों को ऐसा टीका क्यों नहीं लगा रहे हो? घोटाला क्यों कर रहे हो? तो इनके विकास की यात्रा पर फुग्गा चू है जो उस पर पिन चुभाई है। अभी आप देखें तिलमिलाहट कैसी रही। अनुमानित कितने कुत्ते इंदौर शहर में होंगे? 1.25 लाख से ऊपर है, हाईकोर्ट में इन्होंने जानकारी दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी कुत्तों के लिए बजट आया था, इस बार भी कुछ बजट आया? क्या बजट आया? नहीं था, 7 करोड़ का बजट रखा गया था, खत्म हो गया, हाईकोर्ट में जवाब दिया है। अब 4 करोड़ का बजट रखा जा रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है? मेरा यही तो सवाल उठा है। मैं तो आप लाभ उनसे पूछिए। नसबंदी के बाद बढ़ रही है संख्या, काटने की दर लगातार बढ़ रही है, रेबीज के टीके कम पड़ रहे, तो क्या फायदा है? भैया लट बांटने का क्या उचित है? इसको फटकारेंगे तो श्वान आएगा नहीं, आपका बच्चे के अंदर आत्मबल हो जाएगा, बच्चों को डर नहीं रहेगा। सिर्फ कुत्ते भगाने के लिए, मारने के लिए नहीं है? नहीं, मारी नहीं, मार तो सकते ही नहीं, पोले हैं, इसको बस फटकार दो, आवाज करेगा, भग जाएगा वो भी जानवर, अपनी जान को चार खतरा महसूस करता है। आपका नाम? प्रमोद कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।